Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Swayam Prabha, Digital India, Educated India. आज हम जो पूरी चर्चा हमारी चल रही है भारतीय राजनीति के बारे में भारतीय राजनीति से जुड़ी संस्थाओं के बारे में और उसके व्यवहार के बारे में तो उस संदर्भ में आज हम राज्य की कार्यपालिका और क्षेत्रीय राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे संघवाद एक ऐसा विषय है जिसके बारे में एक अलग एपिसोड में चर्चा करने की ज़रूरत रही है लेकिन अगर हम संघवाद से आगे जाकर अपने देश के भीतर जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था है जो कार्यपालिका की पूरी स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें और उसके माध्यम से फिर हम एक समझ बनाएँ कि आखिर जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो किस तरीके से काम करती है और जो व्यवहारिक स्तर पर क्षेत्रों की राजनीति से उभर कर सामने आई है उसके क्या स्वरूप हैं तो हमें आ, अपने देश की राजनीति को समझने का एक अलग नज़रिया मिलेगा तो यह ज़रूरी है कि हम राज्यों की व्यवस्था के बारे में राज्यों में चलने वाली शासन के बारे में वहाँ की विशेष रूप से कार्यपालिका के बारे में एक समझ बनाएँ और आ, उसके व्यवहारिक पहलुओं को समझें तो संवैधानिक स्तर पर तो हम बात करेंगे ही लेकिन संवैधानिक स्तर के साथ साथ इस पूरी चर्चा में हमारी कोशिश होगी कि हम व्यवहारिक राजनीति के बारे में भी चर्चा करें जो आ, हमारी बातचीत है वह मुख्य रूप से राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल की, की भूमिका से संबंधित जो विवेचना है उससे शुरू होगी और उसमें हम राज्यपाल की नियुक्ति उनकी आ, विधाई और कार्यकारी या विवेकाधिकार शक्ति और उसको उनके शक्तियों को एक आकार देने वाले अलग अलग न्यायिक निर्णयों के बारे में देखेंगे हम राज्यपाल के पद संबंधी वाद विवाद को देखेंगे कुछ सुझाव भी हम देने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल के पद को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और उसके बाद हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के संबंधों को देखेंगे और फिर हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सामने क्षेत्रीय राजनीति के जो विभिन्न चरण हैं उनको प्रस्तुत कर पाएं तो भारत में अगर हम राज्यों की कार्यपालिका की बात करते हैं अलग अलग राज्यों की व्यवस्था किस तरीके से चल रही है उसकी बात करते हैं तो आ, हमें यह याद रखना होगा कि मुख्य रूप से जो हमारे देश में राज्य हैं वहाँ पर आ, जो व्यवस्था है और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं और उनके माध्यम से पूरी व्यवस्था चलाई जाती है पर जो राज्य होते हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक जो व्यवस्था होती है वो केंद्र की व्यवस्था का ही एक रूप होती है हालांकि संघवाद से जुड़ी हुई अपनी चर्चा में हम देखेंगे कि जो विषय हैं शासन के जिन पर कि राज्य की, की विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जा सकता है या जिन पर कि राज्य की, की कार्यपालिका का ज़्यादा नियंत्रण होता है वह अलग हैं और केंद्र के लिए वो अलग है और फिर एक समवर्ती सूची की व्यवस्था है तो वो एक अलग चर्चा का विषय है हमारा ध्यान जो है वो आज की चर्चा में मुख्य रूप से राज्य की कार्यपालिका की स्थिति और क्षेत्रीय राजनीति पर ही रहेगा तो भारत में राज्यों में शासन व्यवस्था में राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री व्यवहारिक रूप से शासन करता है भारत में विभिन्न राज्यों में राजनीति की अलग अलग दिशा रही है आज़ादी के बाद के वर्षों में क्षेत्रीय राजनीति केंद्र की राजनीति के अनुसार प्रभावित होती रही है और इस पहलू के बारे में आ, मैं अपनी चर्चा के आखिरी भाग में ज़्यादा विस्तार से बात करूँगा राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल की स्थिति के बारे में हम एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और राज्य की सभी कार्यवाहियाँ उसी के नाम पर की जाती हैं प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है परंतु वह इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है या फिर राज्यपाल को केंद्र सरकार अपनी सुविधा के अनुसार हटा भी सकती है एक राज्यपाल का किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकती है या फिर एक राज्यपाल को मौका आने पर दो राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है अंतरिम समय के लिए तो जो ये बात भी महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए कि राज्यपाल का जो पद है वह सबसे विवादास्पद पदों में रहा है आ, और यह विवाद उन्नीस में राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की के बर्खास्तगी से शुरू होता है यम एस नमुद्रीपाद की सरकार थी केरल में जिसे कि बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद से आ, कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर राज्यपाल का पद मुख्य रूप से विवादों के केंद्र में रहा है उन्नीस में उत्तरी राज्यों में कई गौर गैर कांग्रेसी सरकारों का उभार हुआ और उसके बाद राज्यपाल का जो पद है वो और ज़्यादा खराब रूप में सामने आने लगा इसके बारे में थोड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब हम क्षेत्रीय राजनीति की बात करेंगे लेकिन अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल का चुनाव हम यह बात जानते हैं कि ना तो सीधे आम लोगों द्वारा किया जाता है और ना ही कोई विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल इसका चुनाव करता है जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है इसके विपरीत राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसके कारण उसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी कहा जाता है संविधान निर्माण के समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी मसौदा समिति उसने यह निर्णय संविधान सभा पर छोड़ दिया था कि देश में राज्यपालों के लिए चुनाव किए जाने चाहिए या फिर उनका आ, नामांकन किया जाना चाहिए उन्हें मनोनीत किया जाना चाहिए इस विषय पर संविधान सभा का मानना था कि राज्यपालों के चयन के लिए चुनाव किया जाना चाहिए परंतु राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच शक्तियों के टकराव का एक डर था इसके कारण से फिर यह फैसला किया गया कि नहीं इन्हें मनोनीत ही किया जाना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा क्योंकि अगर दोनों का चुनाव होता तो यह डर था कि कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए की आ, शक्ति को लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के बीच में संघर्ष होने लगें आ, लेकिन हालांकि वो संघर्ष मनोनीत होने के बाद भी कई स्थानों पर दिखता है जैसे दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं वो बार बार दखलअंदाजी करते रहें अरविंद केजरीवाल के सरकार में जिसके कारण से अरविंद केजरीवाल की के सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जो चुनी हुई सरकार है उसके पास ही मुख्य शक्ति होनी चाहिए तो वो एक अलग व्यवहारिक विषय है लेकिन मोटे तौर पर राज्यपाल जो हैं उनका मनोनयन होता है केंद्र सरकार के द्वारा वो नियुक्त होते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य विधानमंडल में बहुमत दल के नेता हो के रूप में होते हैं और उनके पास वास्तविक शक्ति होती है भारतीय संविधान का भाग छः देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है संविधान के अनुच्छेद एक से दो तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद एक के मुताबिक आ, देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा साथ ही एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था और मुख्य रूप से अनुच्छेद 155 इस बात के से संबंधित है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संविधान का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल का काम करता है संविधान के अनुच्छेद एक और अनुच्छेद एक में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित है पहला वह भारतीय नागरिक हो दूसरा उसकी उम्र कम से कम पैंतीस वर्ष हो वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधायिका का और अगर वो ऐसा है तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल बन सकता है और फिर उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए अब राज्यपाल की भूमिका की हम बात करेंगे और यहाँ पर हम मैं आपको बिल्कुल साफ़ तौर पर यह बताना चाहूँगा कि सिर्फ विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अधिकांश जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं वो असल में हम राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों को देख रहे हैं यानी कि व्यवहारिक रूप से जो मुख्यमंत्री हैं जो उनका मंत्रिमंडल है वह कैसे कार्य करता है इसे हम समझ सकते हैं राज्यपाल की इन शक्तियों के माध्यम से और जहाँ पर हम राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात करेंगे वहाँ पर वो राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में राज्यपाल के द्वारा इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं तो ये फ़र्क हमें समझने की जरूरत है और इसे याद रखने की ज़रूरत है और इसे ही मैंने राष्ट्रपति की जब मैं चर्चा कर रहा था तब भी बताने की कोशिश की थी तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक से एक तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार जब हम हमें अनुच्छेदों की जानकारी होनी चाहिए अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में रुचि रखते हैं या उसमें हम अपेयर होना चाहते हैं तो तो हमेशा ही जब भी हम भारतीय शासन एवं राजनीति की बात कर रहे हैं तो आप संविधान के विभिन्न प्रावधानों के बारे में ज़्यादा जागरूक होकर अपनी जानकारी को दुरुस्त रखें राज्य के राज्यपाल की भूमिका कमोबेश देश के राष्ट्रपति के समान ही होती है राज्यपाल सामान्यतः राज्यों के लिए राष्ट्रपति जैसी भूमिका का निर्वाह करते हैं कार्य राज्यपाल के कार्यों को मुख्यतम चार भागों में बांट सकते हैं कार्यकारी विधायी वित्तीय और न्यायिक और जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उसमें चूँकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है तो वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना और राज्य मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की सहायता करने जैसे काम को करता है साथ ही राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का कार्य भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है इसका मतलब यह है कि इन इस मामले में राज्य मंत्रिमंडल के अनुशंसाओं के अनुरूप काम करते हैं आ, और जहाँ तक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात है तो वहां पर जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एक विशेषाधिकार की शक्ति राज्यपाल के पास आ जाती है अच्छा फिर विधायी शक्तियों की हम बात करते हैं तो राज्यपाल के पास राज्य की विधानसभा की बैठक को किसी भी आपात स्थिति में बुलाने और किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार होता है साथ ही राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी अधिकार आ, का उपयोग कर सकते हैं उन्हें राज्य विधानसभा में पारित किए जाने वाले किसी भी विधेयक को रद्द करने समीक्षा के लिए वापस भेजने और राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार होता है इसका अर्थ है कि राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता राज्य में आपातकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी करने का कार्य भी राज्यपाल का होता है वित्तीय जो उनके अधिकार हैं उसमें राज्यपाल का कार्य यह सुनिश्चित करना भी होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य का बजट राज्य विधानमंडल में रखा जाए किसी भी धन विधेयक को विधानसभा में उसकी यानी कि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर पाँच वर्षों बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है न्यायिक अधिकारों में राज्यपाल के जो होते हैं वो न्यायिक कार्यों में राज्य के उच्च न्यायालयों के साथ साथ उच्च विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण और पदोन्नति संबंधी निर्णय लेने लेते हैं और राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की भी नियुक्ति करते हैं तो ये जो पूरे अधिकार हैं राज्यपाल के वो ऐसे अधिकार हैं जिनका उपयोग वो मुख्यमंत्री की सलाह के बाद करते हैं और मुख्यमंत्री जो राज्य मंत्रिमंडल होता है उसके मुखिया के रूप में अपने अधिकारों का वास्तविक रूप से राज्यपाल के नाम पर प्रयोग करते हैं तो ये जो बात है वो राज्यपाल की के पद को नाम मात्र के राज्य के अध्यक्ष के रूप में यानी कि जो प्रांत का अध्यक्ष होता है उसके रूप में प्रतिष्ठित करती हैं लेकिन इसके अलावा राज्यपाल के पास जो विवेकाधिकार की शक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उसके कारण से ही असल में राज्यपाल का पद एक विवादास्पद पद बन गया जैसे कि संविधान का अनुच्छेद एक जो है वो राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है और इन शक्तियों में वह स्वविवेक संबंधी कार्यों करता है स्वविवेक से के आधार पर निर्णय लेता है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं होता है तो राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधीन का विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हैं तो कितना समय दिया जाना चाहिए यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है आपातकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है ऐसे समय में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को आकार देने में कई सारे निर्णय रहे हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें एस आर बोमई बनाम भारत सरकार का जो निर्णय है जो कि नाइनटीन uh, या उन्नीस में सामने आया काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर हम राज्यपालों की भूमिका को देखें तो इसमें जो सबसे विवादास्पद मसला आता है वह है आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के उपयोग या दुरुपयोग का और uh, बोमई निर्णय के पहले आमतौर पर राज्यपाल जो हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या उनके एजेंट के रूप में मनमाने तरीके से इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करते आ रहे थे तो एस आर का जो निर्णय है उसने राज्य सरकारों को भंग करने की जो केंद्र सरकार की के शक्ति है उसको काफ़ी सीमित कर दिया और उसने यह कहा इसमें यह कहा गया कि जब किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जाता है तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कारण बताए जाते हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इसके साथ ही इस फैसले में यह भी कहा गया कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा यानी कि कोई भी राज्यपाल मनमाने तरीके से यह तय नहीं कर सकता है कि अगर आ, उस उसकी जानकारी में किसी सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसे बर्खास्त कर दे बल्कि यह निर्णय विधानमंडल में ही लिया जा सकता है तो इस आर बुमई का जो ये पूरा निर्णय था उसने काफ़ी हद तक राज्यपाल की जो स्थिति है उसको एक सीमा के भीतर लाने की कोशिश की और उनकी शक्तियों के मनमानेपन या मनमाने उपयोग को सीमित किया दूसरा 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार का निर्णय आया इसमें इस निर्णय में, ने, में पाँच सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है चाहे चुनाव पूर्व उन दलों का गठबंधन हो या ना हो तो एक तरीके से गठबंधन के मामले में राज्यपाल किस तरीके से निर्णय कर सकते हैं राज्य स्तर पर ये उसको ज़्यादा साफ तौर पर सामने रख देता है यह निर्णय क्योंकि इसके बाद राज्यपाल इस तरह का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि चूंकि गठबंधन जो था वो चुनाव के पूर्व नहीं था तो वो किसी एक खास बहुमत को साबित करने वाले गठबंधन को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं तो यह भी जो राष्ट्रपा राज्यपाल की जो विवेकाधिकार की शक्ति है उसको एक सीमित करने का काम करता है उसी प्रकार से वर्ष 2006 में नवाम रोबी रेबिया बनाम उपाध्यक्ष एक मुकदमा हुआ था जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद एक सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिए तो ये सारे जो निर्णय हैं उन्होंने एक तरीके से राज्यपाल की जो विवेकाधिकार की शक्ति है उसके मनमानेपन को रोका है इसके अलावा बहुत सारे आयोग बने हमारे देश में जिन्होंने संविधान के भीतर के प्रावधानों और विभिन्न संस्थाओं के कार्यों विभिन्न पदों से संबंधित संवैधानिक स्थितियों पर विचार किया और उन्होंने कुछ अनुशंसाएँ की और उसमें फिर जो एक राज्यपाल के पद के बारे में सिफारिशें आई वह भी महत्वपूर्ण हैं वर्ष 1966 में केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था आयोग ने अपने रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर कि, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल विशेष से ना जुड़ा हो एक तरीके से यह इस बात की को समझने आ, की तरफ इशारा करता है उन्नीस में ही कि चूँकि राज्यपाल दलों से जुड़े होते हैं इसलिए वो दलीय निष्ठा के अनुसार काम करते हैं और इसके कारण से कई बार वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वाहन में भी कोताही बरतते हैं या पक्षपात कर देते हैं वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राजा राजमन्नार समिति का गठन किया गया था इस समिति ने भारतीय संविधान से अनुच्छेद तीन और तीन सौ सत्तावन के विलोपन की सिफारिश की थी तो ये एक ऐसा प्रावधान है जो कि राज्य सरकारें को हमेशा पीड़ित करता रहा है कि तीन का दुरुपयोग होता रहा है आ, केंद्र सरकार के द्वारा और जब भी आ, केंद्र सरकार को यह लगता था ऐसा बहुत सारी राज्य सरकारों का मानना था कि जब भी केंद्र सरकार यह महसूस करती थी कि राज्य सरकार उसकी मर्जी के अनुसार काम नहीं कर रही है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता था लेकिन हम जानते हैं कि बोमई जजमेंट के बाद इस स्थिति में काफ़ी अंतर आया है सरकारी आयोग की सिफारिशों की भी यहाँ पर आ, बात की जा सकती है सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएँ की हैं उसके भाग एक और अध्याय चार में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है राज्यपाल ना तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और ना उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है आ, तो ये जो सरकारीया आयोग की की जो बात है वह भी असल में इस बात की ओर इशारा करती है कि राज्यपाल आमतौर पर आ, अधिकांश मामलों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि केंद्र सरकार के आ, के पक्ष में काम करने वाले आ, एक एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं जो कि संवैधानिक रूप से उनकी जो कर्तव्य हैं उनके खिलाफ भी कई बार चला जाता है तो इसके कारण से अलग अलग जो समितियां या अलग अलग जो आयोग थे उसमें राज्यपाल के पद के बारे में इस तरीके के विचार व्यक्त किए गए ताकि राज्यपाल ज़्यादा स्वतंत्र होकर अपने संवैधानिक भूमिकाओं का निर्वहन कर पाए अब आ, जैसे मैंने आ, आपको बताया कि राज्यपाल के पद के दुरुपयोग की बहुत सारे बातें सामने आते रही हैं और आमतौर पर यह माना जाता है कि चूँकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है इसलिए वह राज्य में केंद्र के निर्देशों पर कार्य करता है और यदि केंद्र व राज्य में एक ही दल की सरकार नहीं है तो राज्य की कार्यप्रणाली में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने माने राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को ही आ, सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है गौरतलब है कि इसके परिणामस्वरूप कई बार राज्यपालों को पक्षपात करते हुए भी देखा गया है राज्य में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया गया है और ये भी हम देख सकते हैं कि कई बार एक ही राज्यपाल के द्वारा या एक ही समय में अलग अलग राज्यपालों के द्वारा अलग अलग तरीके से इस बात का इस शक्ति का उपयोग किया जाता है कि वो किसे सबसे पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर आ, अगर हम ये देखें तकरीबन वर्ष 2016 के आसपास जब गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तो कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आ, नहीं बुलाया गया बल्कि आ, दूसरे आ, दल को सरकार बनाने के लिए जो जिसने कि जोड़ तोड़ करके अपना गठबंधन राज्यपाल को दिखा दिया उसे बुलाया गया और कई अन्य मामलों में जब कि राज्यपाल को यह लगा कि वो सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले मौका देना चाहते हैं तो उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को मौका देने का काम किया तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर खुले तौर पर हम ये देख सकते हैं कि राज्यपाल राजनीति के खिलाड़ी के रूप में काम करने लगते हैं और कई बार जब एक दल की सरकार होती है केंद्र में और उसी दल का हित उस राज्य की राजनीति में जुड़ा होता है तो वहाँ पर राज्यपाल के रूप में उसे अपने पक्ष का एक मज़बूत खिलाड़ी मिल जाता है और राज्यपाल बार बार इस चीज़ को सामने लाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो मौजूदा सरकार है अगर वो केंद्र की पार्टी के सरकार के अलावा किसी और दल की सरकार है तो वो गलत तरीके से काम कर रही है और चुनावों के बाद भी वो कई बार आ, अपने पैतृक दल को जिस दल से वो जुड़े रहे हैं उसे लाभ देने की कोशिश करते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं आ, अगर आगे आ, मौका मिला तो मैं इन उदाहरणों पर भी आ, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा लेकिन मोटे तौर पर जो बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो हमारे देश में राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उसको एक स्वरूप देने के लिए आ, कुछ न्यायिक निर्णयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कई आयोगों ने भी सिफारिश की है लेकिन वो विवादास्पद इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी भी उसमें इतनी सारी गुंजाइशें हैं एक राज्यपाल के पास जिससे कि वो अपनी मनमानी कर पाते हैं या जिस वैचारिक धारा से वो जुड़े हुए हैं उसकी मदद कर पाते हैं और इसके कारण से उनका जो पूरा पद है वो विवादों के केंद्र में रहता है तो जो राज्यपाल के का पद है उसको बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए जाते रहे हैं वर्ष 1970 में गठित राज्य मन्नार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए और राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए आमतौर पर एक परंपरा के रूप में कई बार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आ, अगर गृह मंत्री चाहें तो वो दो या तीन नामों को मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं और उनका सुझाव ले सकते हैं लेकिन यह नियम है ऐसा नहीं किया जा सक कहा जा सकता और कई बार यह केंद्र सरकार की मर्जी पर भी निर्भर रहता है और आ, आ, इसके अलावा आ, जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह कि राज्य राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णयों की न्यायिक जांच की जानी चाहिए जिससे उस निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए स्रोत भी शामिल हों या उन स्रोतों की भी जांच हो राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़ी शक्तियाँ और विशेषाधिकार जवाबदेही तथा पारदर्शिता के साथ संलग्न होनी चाहिए राज्यपाल को अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों केंद्र सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित एक सहमत आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए अब आ, मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों के बारे में कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। असल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में किस तरीके से आ, संबंध होते हैं आ, इसे समझने के लिए आ, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो किस राजनीतिक दल से हैं और उनकी अपनी स्थिति क्या है मिसाल के तौर पर अगर एक मुख्यमंत्री हैं जो गठबंधन सरकार चला रहे हैं और वो गठबंधन सरकार काफ़ी कमज़ोर बहुमत पर टिकी हुई है तो ऐसी स्थिति में कोई छोटा मोटा दल बदल भी उनकी स्थिति को कमज़ोर कर देता है और इसके कारण से राज्यपाल के सामने उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है लेकिन यह स्थिति उस समय और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है जब जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो जिस दल से जुड़े हुए हैं और केंद्र में जिस दल की सरकार है दोनों विपरीत हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार राज्यपाल जो हैं वो अपने पैतृक दल को जैसा कि मैंने पहले बताया उसे लाभ देने के लिए कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं और ये उदाहरण हम अलग अलग तरह के राज्यों में देख सकते हैं आ, हो सकता है कि राज्यपाल सीधे तौर पर दल बदल को बढ़ावा ना देते हों और मैं यह बिंदु नहीं कह रहा हूं लेकिन अगर वह सरकार गिरती है तो सरकार के गिरने की स्थिति में राज्यपाल अपने पुराने दल को जिस दल से वो जुड़े रहे हैं उसे लाभ देने के लिए कार्य करते हैं और इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं आ, दूसरी स्थिति यह भी होती है कि हो सकता है कि सरकार गिरने की नौबत ना आए लेकिन अगर मुख्यमंत्री विपरीत दल से हैं यानी कि जो केंद्र में जो दल सत्तारूढ़ है उसकी तुलना में वो किसी और दल से हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार जो राज्यपाल हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं अगर आप समाचार माध्यमों को देखें और ये भी वर्तमान समय में आप देख सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अतीत में स्थिति कोई बहुत बेहतर थी अतीत में और ज़्यादा पदों के पद के दुरुपयोग के उदाहरण आपको मिल सकते हैं लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो जब एक मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी काम करती हैं तो वहाँ के राज्यपाल तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं अन्य राज्यों की तुलना में उसी तरीके से जो केंद्र में सरकार है एन की सरकार उसकी बजाय अगर कोई किसी और राज्य में मुख्यमंत्री हैं जैसे कि दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल की बात कर सकते हैं तो वहाँ पर जो उपराज्यपाल रहे हैं वो आम तौर पर सरकार के कार्यों में बाधा डालने का ही काम करते रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आई कि अरविंद केजरीवाल की के सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा जहाँ पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय निर्णय दिया तब राज उपराज्यपाल ने अपने हस्तक्षेप को थोड़ा कम किया मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री की का की जो अपनी स्थिति है उस पर काफ़ी हद तक राज्यपाल से उनका संबंध निर्भर करता है अगर मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं सत्तारूढ़ दल का मतलब जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है तो निश्चित रूप से राज्यपाल उनके लिए समस्याएं पैदा नहीं करते हैं तो अगर हम राज्यपाल की इस तरह की स्थिति को देखते हैं तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा पद है जिस पर बहुत ही गहराई से विचार करने की ज़रूरत है और पीछे मैंने जिन कुछ सुझावों की बात की थी उन पर अमल करने की भी ज़रूरत है कम से कम एक ऐसी आचार संहिता होनी चाहिए जो कि राज्यपाल के पद पे बैठे व्यक्ति को कैसे कार्य करना है उसके बारे में बताया हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण राज्यपाल को किस तरीके से काम करना है उस पर कई तरह की सीमाएं लग गई हैं लेकिन जैसे अगर हम प्रणब मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में यह बताया है कि कैसे उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि जो अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में आ, जो आ, एक सरकार गिरने का जो पूरा एक पूरी की पूरी स्थिति बनी 2015 के आसपास उसमें राज्यपाल ने बहुत ही विवादास्पद भूमिका निभाई थी तो खुद पूर्व राष्ट्रपति के पद जैसे व्यक्ति भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं समाचार माध्यमों में हम इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर राज्यपाल के पद की जो हमने बातचीत की उसकी एक धारा राज्य की कार्यपालिका के समझ से है यानी कि उनके नाम पर जो अधिकांश काम होते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं लेकिन दूसरी जो स्थिति है वो उनके विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग की है जो एक तरीके से संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु का काम करने के लिए है लेकिन हम यह देखते हैं कि अक्सर राज्यपाल जो हैं वो अपने कर्तव्यों का संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप निर्वहन करने में सफल नहीं रहे हैं इसलिए इस पद पर काफ़ी संसोधन काफ़ी संशोधन करने या उसके लिए एक आचार संहिता पर बात करने की आवश्यकता है अब आगे हम क्षेत्रीय राजनीति के विभिन्न चरणों की बात करेंगे मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आ, आपको एक मोटी समझ दे सकूं कि हमारे देश में जो क्षेत्रीय राजनीति है वो किस रूप से विकसित हुई है अब अगर हम आ, अपने देश की पूरी राजनीतिक यात्रा को आज़ादी के बाद देखें उसे समझने की कोशिश करें तो उसे हम कई चरणों में बांटकर समझ सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर अगर हम इसे विभिन्न कालखंडों में बांटना चाहें क्षेत्रीय दलों की राजनीति के हिसाब से तो हम आ, इसे नेहरू के शासनकाल से यानी आज़ादी के बाद से नेहरू के जीवन काल तक देख सकते हैं और ज़्यादा सुविधा के लिए हम इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के दौर तक ला सकते हैं हालांकि हम सब यह देख सकते हैं कि उन्नीस सौ के बाद 1967 के बाद बदलाव आरंभ हुए तो पहला दौर जो क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू आज़ादी मिलने के बाद से उन्नीस तक के बीच का दौर आ, इसमें आ, हम ये देख सकते हैं कि जो नेहरू थे मोटे तौर पर उस दौर में आ, जो क्षेत्रीय राजनीति थी उसको उन्होंने आ, बहुत ही अच्छी निगाह से नहीं देखा खासतौर पे क्षेत्रीय पहचान की राजनीति को और ये बहुत सारे जो केंद्र स्तर की के राजनीति करने वाले नेता थे वो भी इसे नहीं देखते थे इसके पीछे मुख्य कारण विभाजन की पीड़ा थी लेकिन हम जानते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का आंदोलन चला और खुद नेहरू सरकार ने उसको व्यवस्थित रूप से पूरा करने का काम किया लेकिन इसके अलावा इस स्थिति के बावजूद चूँकि हर राज्य तो नहीं पर बहुत सारे राज्यों में अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं तो एक इतनी बड़ी समस्या सामने नहीं आई कि वो केंद्र सरकार को बहुत मजबूत चुनौती मिले क्षेत्रीय राजनीति के माध्यम से जो राज्यों के अलग अलग राज्यों में जो मुखिया थे वो मोटे तौर पर स्वायत्त रूप से काम करते थे और प्रधानमंत्री या उनकी आ, केंद्र की नेतृत्व के द्वारा रोज़ रोज के मामलों में दखलंदाजी नहीं होती थी तो ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर कुछ हद तक क्षेत्रीय पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिला तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ये ज़्यादा मुखर रूप में सामने आया लेकिन यह स्थिति ऐसी नहीं थी कि क्षेत्रीय राजनीति केंद्र की राजनीति को पलटने की स्थिति में हो क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की खुद की मजबूत स्थिति थी लेकिन इसमें आ, अपवाद के रूप में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर नेहरू सरकार ने क्षेत्र स्तर पर उभरी अलग तरह के राजनीति को दबाने का काम किया अब इसमें सिर्फ हम तेलंगाना आंदोलन की बात नहीं करेंगे तेलंगाना आंदोलन को का तो दमन किया ही गया लेकिन उसके अलावा जो 1959 में जो ई एम एस की सरकार थी केरल में उसको बर्खास्त किया गया तो एक अलग तरह की राजनीति थी जिसे कि केंद्र सरकार ने नियंत्रित करने का प्रयास किया लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी के शासनकाल की बात करें विशेष रूप से जो उनका सत्तर के दशक में शासन था अगर हम इंदिरा गांधी के अतीत उभार के बात करें तो हमें देखेंगे और जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो इस मामले पर थोड़े विस्तार से और बात करेंगे लेकिन अभी मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं ने क्षेत्रीय नेताओं ने असल में प्रधानमंत्री बनाया शायद इसके पीछे मनसा यह भी रही होगी कि वो इंदिरा गांधी को नियंत्रित कर पाएंगे लेकिन 1970 के दशक के आरंभ से ही इंदिरा गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए जिनके पास कांग्रेस पार्टी की एक केंद्रीकृत शक्ति आ, आ गई और उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर भी अपने पार्टी को नियंत्रित किया और क्षेत्रीय स्तर के अधिकांश जो राजनीतिक नेता थे उनके कद को छोटा करने का काम किया तो जैसे ही एक मजबूत नेता के रूप में इंदिरा गांधी उभर कर सामने आए एक तरफ उनके पार्टी के नेता काफ़ी कमजोर हो गए उनके सामने जो क्षेत्रीय नेता थे और दूसरे स्तर पर क्योंकि वो देश में काफ़ी लोकप्रिय हुई और उन्होंने अपने आ, लोकप्रियता के कारण अलग अलग देश के भागों में अपनी पार्टी के झंडे को मजबूती से गाड़े रखा तो क्षेत्रीय राजनीति भी उस तरीके से उभर सामने नहीं आ पाई हालांकि आपातकाल लगने के बाद एक अलग तरीके का विरोधी स्वर सुनाई दिया इसका मतलब यह नहीं है कि इंदिरा गांधी के शासन के समय में सत्तर के दशक में आ, सारे राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थीं अलग राज्य अलग अलग राज्यों में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी थी और उन्होंने अपने स्वर को कायम रखा मिसाल के तौर पर करुणा निधि जो जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और उसके पहले जब अन्ना दुरई मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तमिल स्वायत्तता की बात को मजबूती से रखा तो लेकिन एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में क्षेत्रीय राजनीति जो थी वो थोड़ी कमजोर स्थिति में रही जनता पार्टी के समय में चूंकि जनता पार्टी अलग अलग दलों से मिलकर बनी थी क्षेत्रीय राजनीति को उभरने का थोड़ा मौका मिला लेकिन जब इंदिरा गांधी वापस आई सत्ता में 1980 में और फिर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे तो कई ऐसे राज्य सामने आए जहां पर छोटे दलों की सरकारें बनी आंध्र प्रदेश में एन टी रामा राव का उदय हुआ रामकृष्ण हेगड़े ये सब इंदिरा गांधी के जीवित रहते हुआ और रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक में उभर कर सामने आए कई अन्य राज्यों में आ, अलग, अलग अलग दल उभर कर सामने आने लगे तो इससे क्षेत्रीय राजनीति का एक पूरा मंच तैयार होने लगा और राजीव गांधी के शासनकाल के समय में भी यह प्रवृत्ति जारी रही लेकिन उन्नीस के बाद बिल्कुल खुले रूप में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ अब 1990 के दशक के दौरान की आ, जो राजनीति थी अगर उस पर ध्यान दें तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी वीपी सिंह के नेतृत्व में तो नेशनल फ्रंट की अध्यक्षता जो दी गई वो एन टी रामाव को दी गई जो कि एक क्षेत्रीय दल तेलुगु देशम के अध्यक्ष थे और उसके बाद आ, जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के रूप में थी एक लंबे समय तक वह अपने अस्तित्व के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कभी जनता दल अजीत कभी अन, अन्ना द्रमुक इस तरीके के दलों पर के समर्थन पर निर्भर रही लेकिन उसके बाद उन्नीस सौ जो छानवे के जो चुनाव हुए उसके बाद जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बना संयुक्त मोर्चे की जो सरकार बनी तो संयुक्त मोर्चे की सरकार में हम ये आ, देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री के रूप में आ, जो सॉरी प्रधानमंत्री के रूप में एच डी देवगौड़ा बने वो जनता दल के नेता थे लेकिन और वो अपने अस्तित्व के लिए भी कई अन्य दलों पर निर्भर थे उसके अलावा उसके बाद जब आई के गुजराल बनते हैं प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजरा तो वो एक तरीके से संयुक्त मोर्चे के ही नेता के रूप में बनते हैं और अगर हम संयुक्त मोर्चा को देखें तो हम यह पाएंगे कि संयुक्त मोर्चा के भीतर अलग अलग जो क्षेत्रीय दल थे उनका उनकी काफ़ी मजबूत उपस्थिति थी और उसमें हम देशम पार्टी आ, द्रमुक या डीएमके एम के द्रविण इस तरीके के दलों की मौजूदगी को देख सकते हैं और इसकी बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार गिरती है तो एक अन्य परिघटना भी हम देख सकते हैं और वो है कि जनता दल जो कि 1988 में एक मजबूत दल के रूप में आया था वो और छोटे छोटे दलों में बंटता है और बहुत सारे राज्यों में ऐसे दल मजबूती से सामने आ जाते हैं जिनका पूरा जिनकी पूरी राजनीति जिनका पूरा दायरा उसी राज्य में सिमटा हुआ था तो एक तरीके से और वो अपने क्षेत्र के हितों के प्रतिनिधि के रूप में बात करने लगते हैं तो इस संदर्भ में आ, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूँगा जैसे बीजू जनता दल का गठन होता है आ, वो जनता दल का एक हिस्सा था और बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने उसका गठन किया नवीन पटनायक की पूरी राजनीति उड़ीसा के हितों तक सीमित थी आ, उसके बाद और सीमित रही है उसके बाद जो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया उनकी राजनीति मुख्य रूप से बिहार के सरहद तक ही सीमित थी और बाद में जो समता पार्टी बनी थी नाइनटीन नान्टी में उस समता पार्टी के, के सदस्य भी मुख्य रूप से बिहार में ही सीमित रहे। बाद में लोक जनशक्ति पार्टी बनती है वो भी बिहार तक सीमित थी उत्तर प्रदेश में जनता दल की एक प्रमुख नेता मुलायम सिंह यादव ही उन्नीस में समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं तो इस पार्टी का दायरा भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश तक सिमटा हुआ था इसके अलावा जो तेलुगु देशम पार्टी थी वो तो आंध्र प्रदेश में थी ही बाद के वर्षों में 2009 के बाद के समय में वहाँ पर वाई कांग्रेस का उदय होता है इसके अलावा अन्य भागों में भी कई दलों का उदय होता है कर्नाटक में जनता दल सेकुलर का उदय होता है तो ये अलग अलग जो राजनीतिक दल आए उनके उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को एक अलग स्वरूप प्रदान किया और मोटे तौर पर हम अगर इस बात को ध्यान दें कि चाहे वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो या उत्तर पूर्व के राज्यों में भी कई राजनीतिक दल हों ये अपने क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति को लेकर आगे आएँ और इसमें आ, हम आ, और मैंने सिर्फ कुछ उदाहरण दिए हैं ऐसे उदाहरणों हमें ऐसे उदाहरण हमें देश के अलग अलग भागों में जरूर मिलेंगे जैसे हरियाणा की राजनीति को देखें या कश्मीर की राजनीति को हम देखें तो कई और उदाहरण मिल सकते हैं जो मुख्य बात हमें ध्यान रखने की है वह यह कि उन्नीस के दशक के बाद से एक ऐसी राजनीति सामने आती है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे दल काफ़ी सफलतापूर्वक अपनी राजनीति को, को लेकर सामने आते हैं जहां वे एक खास क्षेत्र का और कई बार वो क्षेत्र एक राज्य के आ, हम कह सकते हैं कि आ, को प्रतिनिधित्व से मिला हुआ होता है यानी कि आ, वो एक राज्य स्तरीय राजनीति के रूप में आ, एक राज्य स्तरीय राजनीति को करने वाले कारक के रूप में सामने आते हैं तो ये प्रवृत्ति 1990 के दशक के बाद में बढ़ी उसके साथ ही एक और पहलू जुड़कर सामने आया और वह पहलू यह था कि राज्यों के भीतर भी क्षेत्र आधारित पार्टियां बनने लगीं यानी कि कई ऐसे दल भी उभर कर सामने आए जो कि पूरी तरीके से एक राज्य के भीतर भी नहीं फैले हुए थे बल्कि राज्य के किसी क्षेत्र में उनकी पकड़ थी वो बहुत कम वोट पाते थे तो ऐसे दलों का भी उभार हुआ और वो किसी जाति या किसी क्षेत्र में बसे समूह के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे तो ये जो क्षेत्रीय दल का प्रभाव था उसने राजनीति में एक ऐसी स्थिति को पैदा किया जिसमें कि यह कहा जाने लगा कि भारत में एक तरीके से क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व के कारण एक कॉन्फेडरेशन की स्थिति आ रही है क्योंकि ये दल एक तरीके से सरकारों को बनाने और गिराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो आप यह पाएंगे कि आ, कई सरकारें जो थी न सिर्फ उनके बनने में बल्कि उनके गिरने में भी क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हालांकि आ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि क्षेत्रीय राजनीति के साथ एक संतुलन बनाने या उसे साधे रखने की प्रवृत्ति उन्नीस के बाद दो केंद्रीय दलो, दलों दो राष्ट्रीय दलों यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने विकसित की विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक तकरीबन पाँच सालों तक अपनी सरकार केंद्र में चलाई और उसके बाद यू पी वन और यूपीए टू में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्षेत्रीय दलों को जोड़ते हुए अपनी सरकारें चलाई हैं लेकिन हम यह देख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्र स्तर की राजनीति को उन्होंने यह रूप दिया जहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को ही प्रमुखता नहीं मिली बल्कि क्षेत्र के मुद्दों को क्षेत्र के हित को आ, ध्यान में रखते हुए राजनीति की जाने लगी लेकिन अगर हम 2014 के बाद की स्थिति पर विचार करें तो हम यह पाएंगे कि जो भारत में क्षेत्रीय राजनीति है उसका अस्तित्व तो पहले की तरह है लेकिन यानी कि अभी भी क्षेत्रीय दल हैं और आ, वो कुछ हद तक अपने क्षेत्र की राजनीति में सफल भी हैं लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मजबूत दल के रूप में उभर कर सामने आई जिसने 1990 के बाद जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था और उसके माध्यम से क्षेत्रीय राजनीति का बोलबाला दिखने लगा था उस पूरी प्रवृत्ति को पीछे करने का प्रयास किया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि जो आ, कई क्षेत्रीय दल हैं वो या तो एन के साथ जुड़े हैं और अगर वो एन के साथ नहीं जुड़े हैं तो उस स्थिति में भी वो देश के राजनीति को बहुत गहरे स्तर तक प्रभावित करने में आ, सफल नहीं हो पा रहे हैं इसका अर्थ यह है कि आ, वो अपने अस्तित्व को कायम रखने के बावजूद इस स्थिति में नहीं हैं कि वो सरकार को केंद्र सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि उनके क्षेत्र के हितों को ज़्यादा तरजीह तरजीह दी जाए क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों की राजनीति का जो एक बड़ा पहलू है या बड़ा पहलू जो रहा है वह क्षेत्रीय अस्मिता का रहा है तो इसमें आप अलग अलग तरीके के उदाहरण देख सकते हैं और इसकी आ, मिसाल के तौर पर आ, आप यह देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल हैं आ, वो दोनों ही चूँकि एक आ, इस, पहले इस स्थिति में थे कि वो सरकारों के बनने बिगड़ने के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे आ, या फिर हम आ, अकाली दल की बात करें जो पंजाब में थी या फिर हम शिवसेना की बात करें जो महाराष्ट्र के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी और वो दावेदारी करती थी कि आ, जो महाराष्ट्र में बाहरी लोग आते हैं वो वहाँ नहीं आने चाहिए तो ये सारे के सारे दल जो पहले एक खास तरीके हितों की बात करते थे अभी उन हितों की बात कर रहे हैं लेकिन चूँकि एक दल को पूर्ण बहुमत मिला 2014 के बाद इसलिए अब वे इस स्थिति में नहीं हैं कि आ, वो फिर से उसी शक्ति के साथ केंद्र सरकार पर दबाव डाल पाएँ इसके कारण से आ, 2014 के बाद हम एक ख़ास तरह की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति भी भारतीय राजनीति में देख रहे हैं जिसमें कि राज्यों की स्थिति कमज़ोर हुई है और अगर वह राज्य केंद्र की आ, आ, पार्टी की सरकार के अनुरूप है तो वहाँ पर वो कुछ हद तक अपने हितों को पूरा कर पा रहे हैं अगर वो किसी क्षेत्रीय दल के नेतृत्व में हैं तो उनके सामने यही विकल्प बचता है कि आ, जैसे कि अगर हम आ, यही विकल्प बचता है कि वो केंद्र सरकार के अनुरूप काम करें और इस संदर्भ में हम तेलंगाना के क्षेत्रीय दल का उदाहरण ले सकते हैं और वहाँ जो क्षेत्रीय दल है जो सत्तारूढ़ दल है वह एक ऐसे दल के रूप में है जो कि केंद्र की राजनीति में अभी सीधे तौर पर किसी से खुद को जुड़ा हुआ नहीं दिखाता है उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के वाई कांग्रेस की जहाँ के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपने आप को एन या यू का भाग नहीं मानते हैं लेकिन इस तरीके के क्षेत्रीय दल चूँकि अब केंद्र सरकार की स्थिति पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है वे अमूमन केंद्र सरकार से एक नकारात्मक संबंध बनाने से बचते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए अपने राज्य का हित सबसे प्रमुख है और अगर उनके राज्य का हित पूरा हो रहा है तो उन्हें केंद्र सरकार की बहुत सारी नीतियों से केंद्र सरकार के बहुत सारे फैसलों से कोई दिक्कत नहीं है कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि 2014 के बाद के दौर में जो क्षेत्रीय राजनीति है वह कमजोर हुई है और जो एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है जिसमें कि एक नेता आ अपनी लोकप्रियता के कारण पूर्ण रूप से अपने दल को बहुमत दिला पाने में सफल हैं तो उस तरह की राजनीति काफ़ी हावी हुई है काफ़ी बढ़ी है निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह एक आदर्श स्थिति है या हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि पीछे जो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ था वह एक बहुत ही नकारात्मक स्थिति थी लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो संवैधानिक स्वरूप है उस संवैधानिक स्वरूप में अगर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है जहाँ पर राज्य वास्तविक संघीय ढांचे के भीतर अपने तरीके से शासन चला पाए तो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग आवाज़ें हैं उन्हें महत्व देने की आवश्यकता है उन्हें पूरी तरीके से नकार कर या उनकी उपेक्षा करके इस तरह की स्थिति नहीं बनाई जा सकती है कि संविधान की जो प्रावधान हैं संविधान के प्रावधानों के मूल आशय या मूल भावना के साथ, साथ शासन किया जा सके तो हर दौर की जो मैंने आपको प्रवृत्ति बताई नेहरू से लेके इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी का 1970 का दौर फिर जनता पार्टी और इंदिरा गांधी की का दूसरा दौर 1980 से चौरासी और फिर राजीव गांधी का दौर ये जो तीसरा भाग था और फिर गठबंधन के सरकारों का दौर और 2014 तक जो चला और उसके बाद गठबंधन होने के बावजूद एक मजबूत नेता और पूर्ण बहुमत की वाली पार्टी का न सिर्फ केंद्र में उभार बल्कि अन्य राज्यों का उभार तो ये जो पूरा वर्णन मैंने आपके सामने दिया उसमें से हर दौर में अगर हम क्षेत्रीय दल के हिसाब से सोचें तो कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक स्थिति रही है क्षेत्रीय राजनीति कई बार पृथकता की राजनीति के रूप में भी सामने आई है और आ, कई ऐसे दल या समूह हैं जो कि सीधे तौर पर संसदीय राजनीति में भागीदारी नहीं करते हैं तो वो एक अलग स्वरूप है जिसके बारे में मैं कुछ बिंदु अभी रखूंगा लेकिन अभी जो मैंने पूरी क्षेत्रीय राजनीति के सामने आपके सामने जो चर्चा रखी उसमें हमें इन विशेषताओं को याद रखने की जरूरत है कि कैसे क्षेत्रीय राजनीति एक समय हाशिए पर थी और आ, कैसे एक समय में वह इस स्थिति में आ गई कि न सिर्फ वो आ, अपने क्षेत्र विशेष के हितों को प्रमुखता से सामने रख पाए बल्कि केंद्र सरकार की स्थिति केंद्र सरकार की राजनीति केंद्र सरकार की नीति को भी गहराई से प्रभावित कर पाई और कई केंद्र सरकारों का अस्तित्व भी उनके ऊपर निर्भर रहा और बाद के दौर में कैसे उनकी स्थिति खासतौर पर 2014 के दौर में कमज़ोर हो रही है अब एक जो प्रमुख बात है वह यह कि जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें से कुछ ऐसे तत्व रहे हैं जो कि सीधे तौर पर जो भारतीय संविधान का जो मूल तत्व है उसकी बात स्वीकार नहीं करते हैं जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की राजनीति जम्मू और कश्मीर में नागालैंड में और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में ऐसे समूहों का जैसे होना जो कई बार मजबूत रहें कई बार कमज़ोर रहें जो भारतीय संविधान को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं मिसाल के तौर पर उल्फा को हम ले सकते हैं नागालैंड में कई सारे ऐसे समूह हैं तो ये जो राजनीति है उसके बारे में हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि आ, भारत में चाहे क्षेत्रीय दलों का मजबूती से उदय हुआ हो या फिर एक दल की मजबूती से सरकार रही हो दोनों ही स्थिति में जो एक मुख्य स्वर केंद्र सरकार का रहा है वह यह कि भारत की एकता और अखंडता को पर सवाल खड़े करने वाले समूहों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है या उनकी मांगों को नहीं माना जा सकता है अगर उनसे बातचीत होगी तो वो इसी दायरे में होगी कि भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं भारत की जो एकता और अखंडता की बात है उसका वो सम्मान करें तो ये भी एक क्षेत्रीय राजनीति का रूप रहा है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था कुल मिलाकर हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम आ, भारत की राज्यों की राजनीति पर ध्यान देते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह की प्रवृत्तियाँ अलग अलग राज्यों में हमें दिखती हैं लेकिन अगर हम संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो उसमें आ, जो राज्य की जो पूरी व्यवस्था होती है मुख्यमंत्री के द्वारा उसका संचालन किया जाता है राज्यपाल जो होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख के रूप में होते हैं लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी एक विडंबना हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो विवाद का दौर कह सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पीछे बताया वह राज्यपाल की स्थिति रही है और राज्यपाल जो हैं वो कई बार राज्यों के शासन में गलत तरीके से हस्तक्षेप करते रहे हैं इसके अलावा हम लोगों ने जो चर्चा की क्षेत्रीय राजनीति की उसके अलग अलग दौर रहे हैं और उसको आ, उस पर कई तरह से आ, विचार किया जाता रहा है और जो एक प्रमुख बात जो मैंने आखिर में बताने की कोशिश की वह यह कि क्षेत्रीय राजनीति के कुछ ऐसे भी रूप रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान से परे जाकर भारतीय संविधान से अलग जाकर अपने क्षेत्रों के हितों को सामने रखने की कोशिश की उसमें आ, कुछ बातों का मैंने उल्लेख किया कुछ अन्य उदाहरण इसमें हो सकते हैं जैसे कि एक समय में तमिलनाडु के कुछ दल थे जो लिट्टे के करीब खुद को पाते थे पंजाब में कुछ समूह थे जो खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करते थे जम्मू और कश्मीर का मैंने उल्लेख किया जहाँ पर कई ऐसे समूह हैं जो सीधे तौर पर खुद आतंकवादी कार्रवाई नहीं करते हैं पर वो पृथकतावाद की राजनीति का समर्थन करते हैं पूर्वोत्तर में कई ऐसे समूह हैं उल्फा और नागालैंड का समूह सहित जो कि पृथकतावाद की राजनीति का समर्थन करते हैं तो इस रूप में भी एक क्षेत्रीय राजनीति उभर कर सामने आई है कई बार इसे कानून और व्यवस्था के मामले के रूप में देखा गया है और ऐसे आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई है और कई बार यह कोशिश भी रही है कि बातचीत के द्वारा इन समूहों को मुख्य धारा में लाया जाए तो ये जो हमारी पूरी चर्चा आज की आ, रही है उसमें हमारी कोशिश यही है रही है कि आपको आ, जो राज्यों का शासन है उसकी एक सामान्य समझ मिल जाए और व्यवहारिक स्तर पर जैसे क्षेत्रीय राजनीति उभर कर सामने आई है और जिस तरीके से उसने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है उसकी एक तस्वीर मोटी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाए इसमें से हर पहलू पर और ज़्यादा गहराई से जानने की गुंजाइश है हर और ज़्यादा गहराई से उस पर विचार करने की ज़रूरत भी है लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि जो मैंने चर्चा आपके सामने रखी है उस चर्चा से आप भारत के राज्य में शासन की स्थिति और क्षेत्रीय राजनीति या क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति या क्षेत्रीय दलों पर आधारित राजनीति की का जो एक स्वरूप हमारे देश में उभर कर सामने आया है उसकी एक सामान्य समझ बना पाएंगे आ, आगे हम अन्य भारतीय राजनीति से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे पर आज की इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.